इंडिया मार्ट के सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मेघना प्रमाणिक है और मैं यह सेक्शन या जो ये वीडियो बना रही हूँ दुर्गा पूजा के पंडाल डेकोरेशन के उपलक्ष्य में खास करके बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार मैंने पाया है कि लोग वेंडर्स नहीं ढूंढ पाते हैं, और मैंने जाना है कि अगर हम सोशल मीडिया पे वीडियोस डालें या इस प्रकार के कुछ कार्य करें तो लोगों को वेंडर्स मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि आजकल आप और मैं भी जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है और लोग इंटरनेट पे ही सब लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यह जो सेक्शन है मेरा इंडिया मार्ट पर, जैसे कि आप लोग सब देख रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेंडर हूँ इंडिया मार्ट पर, तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे जगहों पे दुर्गा पूजा के लिए पंडाल या मंडप डेकोरेशन मिलना बहुत मुश्किल होता जाता है बहुत सारी कारणों के वजह से, क्योंकि डेकोरेशन की आइडियाज़ नहीं हैं या डेकोर वाले सही से समझ नहीं रहे हैं या कुछ चीज़ें अरेंज नहीं हो रही हैं। मेरा काम यह रहेगा कि मैं आप लोगों को क्रिएटिव आइडियाज़ देने की कोशिश करूं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें, जो मान लीजिए मंडप डेकोरेशन वाले बोल दीजिए, या मेरी जो एक क्रिएटिव डायरेक्टर हैं वो भी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, वो आप लोगों को बहुत सारा आइडिया दे सकती है। ऑल ओवर पुणे में अगर देखा जाए तो नवरात्रि ये फेस्टिवल खास करके गुजराती लोग और बंगाली लोग मनाते हैं, और मुझे गर्व है कि मैं खुद एक बंगाली हूँ और मैं ये कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप यह वीडियो को देखें और मुझ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। इंडिया मार्ट पे मेरे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उसे देखकर ज़रूर मेरे तक आइए। अब इसके बाद जो मैं अनुवाद करना चाहूँगी वो बंगाली में करना चाहूँगी। नमस्कार अमार प्रिय भाई बोनरा, आमी श्रीमती मेघना प्रामाणिक। अपनारा जेरम जानें दुर्गा पूजा आमादे जने खूब बछरे खूबी बड़ो पुजो, चार दिन षष्ठी थेके निये दशमी पर्यन्त आमरा खूब एनजय करी, खूब खावार खाई, खूब ठाट्टा करी, खूब कथा बोली। किन्तु एई पुजोटा अरेंज करार जन्ने विभिन्न कमिटी, যে পুনাতে থাকুক, অল ওভার মহারাষ্ট্রতে থাকুক কিংবা মহারাষ্ট্রের বাইরে থাকুক, অল ওভার ইন্ডিয়াই কেন না থাকুক, আমরা খুব চেষ্টা করি কি আমাদের প্রত্যেকটা পান্ডাল যেটা আছে সেটা বেস্ট থাকুক, বেস্ট আইডিয়াস আসুক, বেস্ট ডেকোরেশন আসুক। তার জন্যে আপনাদেরকে খালি একটাই জিনিস করতে হবে, ইন্ডিয়া মার্ট থ্রু আমাকে কন্ট্যাক্ট করুন। আপনারা পাবেন কি আমার আইডিয়াস খুবই ভালো, যদি না থাকলে আপনারা নেগেটিভ রিভিউজও দিতে পারবেন ইন্ডিয়া মার্টে কি হ্যাঁ আমি ভালো কাজ করি না, কিন্তু একসাথে যদি আমি ভালো কাজ করে থাকি তো আপনারা ডেফিনেটলি পজিটিভ রিভিউজ দেবেন আমাকে। আশা করি কি আসছে বছর দুর্গাপুজোতে আমি কোথাও এই দুর্গাপূজার প্যান্ডালটা দাঁড় করাতে পারি, আর আমি আমার দিক থেকে কন্ট্রিবিউশনটা, মানে যেটা আমার দুর্গাপূজাতে, দেখুন আমি এরম বলছি না কি কন্ট্রিবিউশন অ্যাজ এন একটা বাঙালি বলে, প্রাইস যদি আপনি দেখেন, প্রাইসের কথা যদি আমি বলি আপনাকে, হার বছর সেটা ভেরি হয়, কেন কি আজ যে প্রাইসটা 10 টাকা, আগামী বছর সেটা মেবি 10.5 টাকা কিংবা হোনা 11 টাকাও থাকতে পারে। চার্জেস যেটা হচ্ছে সেটা জেনারেলি আমি প্রত্যেকটা ইভেন্টে 10-12% নিই, কিন্তু দুর্গাপূজার জন্যে আমি 5-8% মধ্যেখানে নেব, ডিপেন্ডিং আপন দি এন্টায়ার কস্ট। কেন কি আমি চেয়েছি বেশি চেয়ে বেশি দুর্গাপূজার প্যান্ডেলগুলোকে আমি কভার আপ করতে পারি, কেন কি আমাদের কেন কি আই অ্যাম কাইন্ড অফ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেনি ভেন্ডার্স। তার সাথে এই ভিডিওটা আমি শেষ করছি, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।